हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा, नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ एन एकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहां के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है और साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। बच्चों, अब ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। बच्चों, अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, हाँ जी, अब ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है वो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बच्चों, इसके चार मेन फीचर्स हैं जो इसे नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। उनमें से पहला है डेली लाइव क्लासेस होती हैं जहां पर आप एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स पूछे जाते हैं क्वेश्चनों के, उसके परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो दिखाता है न केवल आप पढ़ रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में और भी कई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो यह आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं बच्चों, जिनके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं कि आपने चैप्टर पढ़ लिए तो आपकी परफॉर्मेंस कहाँ स्ट्रेंड करती है, आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, और नीट यूजी क्रैक करेंगे तो आपकी रैंक कहाँ स्ट्रेंड करेगी, ये लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू पता चल जाता है। ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सभी कोर्सेज जीरो लेवल से स्टार्ट होते हैं और टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं स्टूडेंट्स को, और डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज यहां पर स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। बच्चों, जैसे रिपीटर्स के लिए अलग कोर्स है, इलेवंथ के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग कोर्स है, ट्वेल्थ के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए अलग कोर्स है। बच्चों, साथ में यहाँ टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी अलग अलग कोर्सेज हैं, और यहाँ पर सिलेबस ओवर हो गया ना तो यहाँ के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है बच्चों, और यहाँ का सिस्टम तब तक साथ बना रहता है जब तक कि नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो जाता। ये इसका तीसरा एडवांटेज है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज बच्चों, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और अनलिमिटेड टाइम्स आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं एक ही चैप्टर को। यहाँ पर कई एजुकेटर से समझ सकते हैं अगर आपको एक से समझ नहीं आ रहा, ये फैसिलिटी ऑफलाइन में भी अवेलेबल नहीं होती बच्चों। और यहाँ लाइव क्लास छूट गई है ना तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये कोर्स अवेलेबल है, जिससे क्या होता है आपकी लाइव क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों, तो ये चार फीचर्स हैं ना बच्चों इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। यहाँ फ्री डेमो क्लासेस भी होती है, यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, व्यूअर्स और फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर आना यहाँ पर, ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे ना बच्चों एक महीने के लिए तीनों सब्जेक्ट का, तो क्या होगा, ये 6,000 रुपीज़ का होगा, पर नंबर ऑफ मंथ ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना बच्चों तो ये 2500 में 12 मंथ के लिए 2500 पर मंथ तीनों सब्जेक्ट का, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो आपको ओनली 1500 रुपीज़ पर मंथ, वो भी तीनों सब्जेक्ट का। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें GS सर तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 1500 रुपीज़ वाला तीनों सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन पर मंथ वाला 1350 में अवेलेबल हो जाएगा। बच्चों, ये लेस देन 50 रुपीज़ पर डे तीनों सब्जेक्ट का। हाँ जी बच्चों, और ये 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, 2500 वाला और 6000 वाला 5400 में,
चलो ये तो हुई 10% डिस्काउंट की, पर अगर मेरा रेफरल कोड यूज करें ना तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, अल्टीमेट पर्सनल केयर होगा, आपका एक ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी सारे स्टडी मटेरियल की, मेरे नोट्स की पुराने जो भी हैं, साथ में आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, साथ में आपको डीपी भी मिलेगा इस रेफरल कोड से। हाँ जी बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स का लास्ट सेशन है बच्चों, हम 5 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। हाँ जी, गुड इवनिंग चेतन मैसराम जी, हाय श्रुति झा जी, हेलो बच्चे, हेलो स्टूडेंट, आकाश शाह जी प्रणाम, खुश रहो बच्चे, अर्शिद अली, लाउड है जी आवाज, मेरी आवाज तो वैसे भी लाउड है। हाँ जी, फिर आना बच्चों, महेंद्र परमार जी, पीयूष जी, ओहो, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन, ये है आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, चेक कीजिएगा बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमने मॉर्निंग में भी किया था, एंगुलर मोमेंटम इक्वल रहा था, याद करो बच्चों, लेकिन ये अलग तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा है पहले तो क्वेश्चन। हाँ जी, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो जी, नॉट करेक्ट पूछा है, इसका मतलब 3 करेक्ट हैं, 3 करेक्ट हैं बच्चों, यस। बोलिए बच्चों, गलत गलत क्या कर रहे हो माही परमार जी, वो क्या कह रहा है, ए के अबाउट, हाँ जी यस मिस्टर अर्शद अली जी, अर्शद अली जी, यस वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, वो आपने सही आंसर दिया है बच्चे, मिस्टर पीयूष, हाँ जी बच्चों, बोलिए बच्चों, देखना है यहां पर कैसे, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ओ पॉइंट पर है, इससे इसके अबाउट चाहिए ना बच्चों, तो इससे पास होने वाली कोई भी एक्सिस से पास होता है अगर, अरे बोलो ना एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल वेक्टर आर क्रॉस पी, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है हमें, या आर साइन थीटा होता है बच्चों, आर साइन थीटा कौन है, ये पी मोमेंटम है और वो एंगुलर मोमेंटम है। हाँ जी, तो क्या होगा, इससे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, आर जीरो है, तो इसका मोमेंटम एल ए का जीरो आएगा बच्चों, लेकिन इसकी भी अब पार्टिकल इधर कहीं भी चला जाए उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनी रहेगी, 1 मीटर बनी रहेगी, इसलिए ये डीई पाथ का एंगुलर मोमेंटम और बीसी पाथ का एंगुलर मोमेंटम इक्वल इक्वल आएगा बच्चों। हाँ जी, तो डीई का इक्वल आएगा चाहे पॉइंट कोई सा भी हो, इधर इधर कहीं भी चला जाए आगे, सबके लिए इक्वल आएगा बच्चों। हाँ जी, क्लियर है, लेकिन एक चीज नोटिस करना, ये क्लॉकवाइज है इसके रेस्पेक्ट में, देखो कैसे ऐसे जा रहा है पार्टिकल, हाँ जी आर क्रॉस एफ, जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा बीसी, तो अगर वो क्लॉकवाइज मल्टीप्लीकेशन होगा आर क्रॉस पी, अरे बोलो ना बच्चों ये P का डायरेक्शन है DE के लिए, ये R का डायरेक्शन है, तो ये कौन सा मल्टीप्लीकेशन होगा क्लॉकवाइज, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड मिलेगा एंगुलर मोमेंटम,
ये वर्टिकली अपवर्ड मिलेगा बीसी का, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिटली डायरेक्टेड। ये भी करेक्ट है बच्चों, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है बच्चों। कह रहा है बीसी बीसी के अलोंग भी जाएगा ना बच्चों, तो सारे पॉइंट्स के लिए एंगुलर वो आपका एंगुलर मोमेंटम कंसर्व रहेगा। हाँ जी बच्चों, नहीं जी मही परमार जी आप बताइए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे यहां स्पीड जबरदस्त है। पक्का क्या? अरे बोलो ना बच्चों, हाँ जी क्या हो रहा है, बोलिए बोलिए बच्चों। यस मिस्टर आकाश शाह, कोई भी दिक्कत है बोलिए, इंटरनेट सही है, आवाज बोलिए कि सही है कि नहीं है, बोलते रहिए, प्रॉब्लम बोलना चाहिए टीचर्स को और पेरेंट्स को। यस मनीषा जी, ओहो तो फिर बच्चे कैसे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में। चलिए तो बच्चों आगे आ जाइए। यस बोलते रहिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। अगला देखो बच्चों क्या कह रहा है, समझना क्वेश्चन, समझ लो। जैसे रिजिड बॉडी, कोई स्पीयर ले लो, स्पीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन, तो यहां आई एम के स्क्वायर है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब उसे यहां डी डिस्टेंस पे शिफ्ट करना है, पूछा है काइनेटिक एनर्जी बताओ यहां, तो यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, वो क्या होगा, आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, जहां पूछे ना वहां का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई का वैल्यू ऊपर से भर दो, क्या आएगा आई नॉट, क्या होगा एम के स्क्वायर, वो कितना है एम डी स्क्वायर बच्चों। गलत है जी माही परमार जी, आंसर इज थर्ड बच्चों, सबका गलत है। हाँ जी उठा के भरो, आई का वैल्यू स्क्वायर थोड़ी है, जो फोर्थ कर दिया सबने, क्या करते रहते हो, के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आई का वैल्यू भर दिया हमने, ये यहां एन ओमेगा का स्क्वायर आएगा बच्चों। हाँ जी अरशद अर्शद अली जी, वेरी गुड बच्चा। चलिए बच्चों होल स्क्वायर नहीं है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, देर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो जी बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। जी बोलिए, यस वेरी गुड मनीषा जी, माही परमार जी बिल्कुल सही था आपने मिटा दिया, पीयूष जी का गलत है आंसर, नहीं जी फोर नहीं होगा, आंसर इज सेकंड बच्चों, सेकंड सेकंड बच्चों। गोधारा जी गलत है आपका, अरे कितना इजी है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, थोड़ा हिंट देखो चेक करना बच्चों क्या होता है एंगुलर मोमेंटम,
ये रहा आई ओमेगा, ये पक्का ये आई ओमेगा है, ये कांस्टेंट बना रहेगा ये। अब क्या हुआ, एनवायरनमेंट गया तो आई घट गया, आई घटेगा, क्यों घटेगा, मास घट गया ना बच्चों, एंड मास घट गया तो क्या होगा बच्चों, ओमेगा बढ़ेगा बच्चों, हाँ जी, एंड ओमेगा क्या होता है, 2π/T, तो टी क्या होगा, 2π/ओमेगा बच्चों, तो ओमेगा बड़ा है तो टाइम पीरियड घट जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ द डे इज द टाइम पीरियड, हाँ जी बच्चों। अरे ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में जिसमें कॉन्सेप्ट्स थ्योरी सब होता है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये है आपका अगला क्वेश्चन बच्चों, हाँ जी, तो मत जाना बाहर आकाश शाह जी, क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो जी बच्चों। यस वेरी गुड, परमार जी वापस फॉर्म में आते हुए एक दो बाउंसर खाने के बाद, एक दो बाउंसर खाने के बाद परमार जी वापस चौका मारते हुए फॉर्म में आ गए हैं। यस पीयूष जी भी साथ में, सबका कॉन्फिडेंस एकदम वापस आता हुआ बच्चों का, हाँ बच्चों होता है ऐसा, पहली पहली दूसरी तीसरी बॉल पे पिच का जायजा लेने के लिए बाउंसर निकल जाते हैं, गलत है जी अर्शिद अली जी, सही करो जी, इस बार आपका गलत है, देखो जो चौके मार रहा था वो अभी बाउंसर खा गया, हाँ जी बच्चों चेक करना बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी पक्का, क्या अब आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ये तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2i हो जाएगा बच्चों, और आई क्या होता है सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल के लिए, mr स्क्वायर बच्चों, ये यार है तो क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, कहां गई थी, यस आंसर इज थर्ड बच्चों। चलिए बच्चों यस अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, हाँ जी मनीषा जी आगे बढ़िए बच्चों, एकदम अच्छा क्वेश्चन है झकास, अभी तक हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करते आए थे इंक्लाइंड प्लेन पर, ये टाइम वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये टाइम वाले क्वेश्चन है, गलत है जी परमार जी, फिर बाउंसर खा गए आप, इस बार तो हेलमेट से टकराया है, गलत है आपका आंसर, 15 नहीं आएगा, ये शेल है, शेल शेल मतलब समझते हो खोखला गोला, थोड़ा हिंदी में बताऊं आपको, यस अब आपने बाउंसर अगला वाला एकदम सॉलिड जवाब दिया है, यस स्पीयर होलो है, शेल का मतलब होता है केवल सरफेस, सरफेस अंदर से खोखला,
जैसे पानी पूरी। हाँ जी बच्चों, पानी पूरी समझे ना, केवल सतह सतह। यस, गोधाड़ा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। टू, क्या बात करते हो, मेरी तो लाउडनेस बहुत ज्यादा है जी बच्चों। परमार जी बताएंगे, यस। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इधर देखिएगा बच्चों, क्या होगा, चाहो तो वेलोसिटी पहले निकाल लो। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला पिछली बार पढ़ा था हमने, याद आ रहा है क्या कुछ कुछ? तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ये 1/√, बोलो बच्चों, ये। अब रुको, सेम इंक्लाइन प्लेन पे चलेगा ना तो डिस्टेंस सेम आएगी, तो टाइम क्या होता है, एस बाई वी। तो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस, ये। तो टी वन और टी टू क्या होगा बच्चों, ये अलग से कहानी, इधर बाउंड्री बना रहा हूं। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, रूट ऑफ के स्क्वायर, के वन स्क्वायर आर वन स्क्वायर प्लस वन, और क्या होगा, आर टू का स्क्वायर प्लस वन बच्चों। तो ये कितना होता है, किसके लिए, होलोस्फीयर के लिए। हाँ जी, शैल का कितना होगा, 2/3 प्लस वन बच्चों, और सॉलिड सिलेंडर का 1/2 प्लस वन बच्चों। अच्छा, अब सही है आकाश शाह जी। चलिए बच्चों, यस, इसका सॉल्यूशन अपने आप। चेक करना बच्चों कितना आएगा, 5/3, ये √5/3/3/2। तो ऊपर तो आ गया √10 और नीचे आ गया 9, उस 9 को उसने बाहर रख दिया, √10:3 छतरी के बाहर। बोलो बच्चों, आंसर इज सेकंड बच्चों, यस, वेरी गुड। कहां गई जी मनीषा जी, आवाज के बारे में बताएंगे आप, अच्छा मोनी गोदारा जी को भी, गोदारा जी बताइए कैसा है वो ही सब। आंसर सेकंड होगा बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोदारा जी आपको बताना है वॉइस के बारे में, लिखना है वॉइस क्लियरिटी कैसी है। स्लो है बच्चों, ऐसे कैसे हो रही है। देखो बच्चों, अब सही है क्या, अब सही आएगी, एकदम झकास आएगी बच्चों। एक बार अभी अभी, अब देखो बच्चों, अभी अब अच्छा आएगा वॉल्यूम। पहले से भी अच्छा आएगा, ओके 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 बच्चों। चलिए आंसर दीजिए, माही प्रजापति जी ने दे दिया, बेटर है। थैंक यू बच्चों, ऐसे फीडबैक देते रहा करो, मैं भी कुछ इधर करता रहता हूं इंस्ट्रूमेंट के साथ।
पक्का क्या बच्चों? बोल दीजिए, कीजिए, कोई भी आपको दिक्कत है ना, पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा दिक्कत बतानी चाहिए। चलिए बच्चों, स्पिन फास्टर, क्या होगा मोमेंट ऑफ आई ओमेगा? देखो बच्चों क्या हो रहा है, आई ओमेगा ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। क्या हुआ यहां, आई घट गया, उसने हाथ को फोल्ड किया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा रोल किसका है, ओमेगा का है, उसका स्क्वायर है। या एक और तरीके से भी कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ना, तो 2i, ये जे स्क्वायर बाई 2i और i घट गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों। यस, तो आंसर इज थर्ड बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, एंगुलर मोमेंटम मैंने जे लिख दिया, ये चलता है कभी कभी, कुछ बुक्स वाले जे लिखते हैं, कुछ बुक्स वाले एल, चलेगा। परमार जी नाम तो बदल देते हैं ना, नाम से कुछ नहीं होता बच्चों, आप मेरा नाम बदलोगे तो भी घरवाली पहचानेगी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अब वॉइस सही है सबकी, वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों? ओके, ओ वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड पीयूषी, शानदार शानदार। इसके दो आंसर हो सकते हैं, देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली वो कौन सा आई जेड है, और आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आती होगी, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड होता है। हाँ जी, तो या तो आई नेट इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो आप, आई थ्री प्लस आई फोर, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ये भी लिख सकते हो आई वन प्लस आई टू, ये भी परपेंडिकुलर एक्सिस है। यस, बोलो ना बच्चों काय का कंफ्यूजन है, दो आंसर हैं इसके, आई थ्री आई प्लस आई फोर भी हो सकता है और आई वन प्लस आई टू भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बच्चों। हाँ जी, काहे का कंफ्यूजन है माही जी, बताइए तो आंसर कौन सा गया बच्चों फर्स्ट, बोलो ना बच्चों। दोनों आंसर हैं आई थ्री प्लस आई फोर भी, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने, अगर वो दिया होता तो मैं सबसे पहले उसे ही टिक करता, पर वो नहीं है तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस, देखिए तो आई वन आई टू भी डायगोनल हैं और स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, स्क्वायर प्लेट है ना बच्चों। हाँ जी, मतलब आप परपेंडिकुलर एक्स वाई एक्सिस को ही ना देखें,
यस आंसर इज वन बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मजा आएगा आपको, जबरदस्त क्वेश्चन। बोलो बच्चों, एक रोड का, माही जी हिंदी में बोल रहा हूं, एक रोड का सेंटर के अबाउट आई है, तो ऐसी चार रोड मिलके स्क्वायर बनाती है, तो वो जो स्क्वायर बनेगा उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट बताना है, क्यों, प्लेन से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस स्क्वायर की, उसके अबाउट बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड परमार्थी, आंसर इज फोर, एकदम छा गए आप तो, अच्छा क्वेश्चन था ये, चेक करना बच्चों, ये रोड है, ये इसके अबाउट आई दे रखा है, आई का मतलब यहां एम एल स्क्वायर बाई 12 है, ये। अब ऐसी चार रोड मिलके बनाएगी ना ये ऐसे स्क्वायर, तो ये जो एम एल स्क्वायर बाई 12 है उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एल बाई 2 डिस्टेंस पे शिफ्ट करना है, ये आई नॉट हो गया और ये डी हो गया आपका, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, पहले एक रोड के लिए आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर, डी की जगह कितना है बच्चों एल बाई टू का होल स्क्वायर, आई नॉट का वैल्यू भरो, ये एक रोड का है बच्चों, वन रोड, आई नहीं लिख सकते इसे, आई तो उसने इसको लिख रखा है एम एल स्क्वायर बाई 12 को, तो ऐसे भी बोल सकते हैं एम एल स्क्वायर की वैल्यू 12 आई है, तो यहां कितना आया चेक करना, एम एल स्क्वायर बाई 12, ये एक रोड का आ रहा है बच्चों, और एम एल स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया है एम एल स्क्वायर बाई 3, तो ऐसी चार रोड हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ एम एल स्क्वायर बाई 3 या आई नेट है बच्चों, यस बच्चों, अब एम एल स्क्वायर का वैल्यू वहां से भर दो, 12 आई, तो ये आया, देखना यहां 4 12 आई अपॉन 3, तो आंसर इज 16 आई, सो आंसर इज फोर्थ बच्चों, यस वेरी गुड बच्चों, हाँ परमार जी का भी बहुत अच्छा तरीका है, पीयूष जी का भी बिल्कुल सही, कैसे एम एल स्क्वायर बाई 3 की वैल्यू 4 आई हो जाएगी, और चार रोड हैं तो 16 आई आएगा, कैलकुलेशन अपने तरीके से करिए बच्चों, टीचर के तरीके से कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, मल्टीप्लाई अपने तरीके से करना चाहिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यस ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये जेई के क्वेश्चन है जी, यश शाह जी, और जेई मैंने क्यों नहीं लिखा, बच्चों को फोबिया हो जाता है, पर ये वो हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट में, ध्यान रखना बच्चों, जो नीट में आने के चांसेस हैं,
मैं भी तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेकर के आया हूं ना बच्चों, सभी नहीं है, कुछ मिक्स हैं। अब लास्ट सेशन था तो मुझे लगा आधे छोड़ूंगा, उससे बढ़िया उनको वो कुछ जो रह गया है पार्ट उससे क्वेश्चन करा दूं। यस, बिल्कुल सही है प्रजापत जी, मौनी गोधारा जी का भी सही है, पीयूष जी का भी सही है। देखो बच्चों, वेलोसिटी स्लाइड करने पे कितनी होगी? यस, ये। लेकिन वी डैस क्या होता है बच्चों? यस, ये किसके लिए? रिंग, रिंग के लिए क्या होगा? रिंग के लिए एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वन होगा बच्चों। यस, रूट टू जी एच की जगह वी भरेंगे तो ये हो जाएगा वी अपॉन रूट टू बच्चों। हाँ जी, चलिए बच्चों, पक्का क्या? चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बच्चों, इजी है मिस्टर यश शाह जी, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? सबको पता है बच्चों, या तो एल लिख दीजिए या जे लिख दीजिए, आई ओमेगा, आई डायरेक्ट दिया है, ओमेगा स्टाइल से दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है 2 पाई एन, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा एन को। यस बच्चों, ये रेडियन में आएगा। देखो हमेशा याद रखो फिजिक्स में रिवॉल्यूशन पर सेकंड, आरपीएम साइकिल पर सेकंड, पर सेकंड हर्ट्ज, ये सब फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा तो इकलौता ही होता है रेडियन पर सेकंड, तो ये पाई आया बच्चों। हाँ जी, आई ऊपर से लिख दीजिए 0.6 इंटू पाई, बात समझ में आई? हाँ जी बच्चों, तो आंसर इज 1 बच्चों। यस, वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, धीरे जाना, अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगेगा पुराना क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर अलग है। हाँ जी बच्चों, गलत है, गलत है जी परमार जी। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, जल्दी कर रहे हो। अच्छा कौशिक जी पधारिए, पधारिए। विशाखा जी नहीं, विशाखा जी नहीं, नाम भूल जाता तो मैं इनका, एक तो नरेंद्र कुमार जी बोलना पड़ेगा मेरे को। नहीं जी, 4 नहीं है,
आंसर फर्स्ट है। चेक करना बच्चों, सेंट्रीपीटल फोर्स, चेक करना सब लोग क्या होता है। ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, चेक करना। एल का वैल्यू होता है एम वी आर, उठा के भर दो जी वैल्यू, मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये यहां से वैल्यू भरा, यस वेरी गुड, एम वी इज इक्वल टू एल बाई आर, उठा के भर दो, इसका स्क्वायर तो क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एम आर पहले ही था। बिल्कुल सही है, आंसर इज फोर बच्चों, यस आंसर इज फोर। ये पल्लवी जी है ना, इधर उधर होते रहते हैं, कॉन्फिडेंस सॉलिड रखो जी पल्लवी जी, चेक करो बच्चों, चेक करो। हाँ जी, पक्का क्या, पहला फोर बोल दिया, फिर वन बोल दिया, फिर फोर बोल दिया, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, ये है आपके लिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी सर जी, यस परमार जी ने सही बोला था, फोर है, बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों। फिर टाइम पूछा है बच्चों, और टाइम वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। ये इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आएगा एक, या तो टाइम पर आ जाए या वेलोसिटी पर आ जाए। धीरे जाना, ये एस तो टाइम एस बाई वी होगा, और वी आपको बता चुका हूं मैं क्या होगा, रूट टू जी एच। ये तो किसके प्रोपोर्शनल है, वन बाई रूट, यस। तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो टी वन अपॉन टी टू चाहिए, वो भी स्फीयर के लिए, और ये स्फीयर का टाइम, सॉलिड स्फीयर है, थोड़ा ढंग से देखा करो स्फीयर को, शेल लिख देता है तो अलग आएगा, डिस्क, ये डिस्क। तो क्या करेंगे, वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का टू बाई फाइव होता है बच्चों, और इसका वन बाई टू होता है जी, सोल्व करेंगे जी, पक्का क्या, वेरी गुड। गोदारा जी ने सही आंसर दिया था, परमार जी ने, बोलो पीयूष जी, ये कौन से सिंबल है जी, पीयूष जी अरे मल्टीप्लाई तो अब आप करोगे ना, कि ये भी सर से करवाओगे, रूट सेवन बाई फाइव और नीचे थ्री बाई टू, टू ऊपर गया
3 नीचे रहेगा तो रूट, यस आंसर इज 4 बच्चों, यस गोदारा जी ने सही आंसर दिया था, 14/15 नहीं, ये टाइम है बच्चों। हर्षित कौशिक जी ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 14/15 रूट में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, एक तो आपका नाम भूल जाता हूं मैं, नरेंद्र कुमार जी, विशाखा जी था या पल्लवी जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कल स्पेशल क्लासेस है बच्चों अनअकैडमी ऐप पर। गलत है जी, यस कौशिक जी का सही है। यस पीयूष जी का भी सही है, माही परमार जी ने तो सही दिया ही है, वो तो चौके मार रहे हैं धड़ाधड़। पल्लवी जी का गलत है, मोनी गोदारा जी का सही है। बच्चों थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं, कल स्पेशल क्लास है पहली 10 बजे, किस पर? अनअकैडमी ऐप पर, इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएन जंक्शन पढ़ाऊंगा, सिंपल नहीं होगा, स्पेशली उसके ग्राफ पढ़ाऊंगा। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले, फिर 12 बजे इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टेट में कल इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया एक तो एक्सिस का, और ईएलएफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बच गई है बच्चों। हाँ जी, टाइम 10 बजे 12 बजे और शाम को 7 से 9। यस वेरी गुड, माही परमार जी को पता है, देखो रेगुलर हैं ये बिल्कुल, और सिंसियर हैं नीट को फोड़ने के लिए। ये डेली होती है मेरी तो। ओहो काशीनाथ जी वेलकम वेलकम बच्चे। चलिए बच्चों ये क्या होगा, आई एम आर स्क्वायर 2/5 सॉलिड स्पीयर है, मास किसके प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब आएगा बच्चों। तो क्या आएगा एम आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और मास किसके है आर क्यूब के, ये है कहानी। हाँ जी ये कहानी। बिल्कुल मोनी जी भी रेगुलर हैं, 2-3 बच्चे। यश शाह जी भी, आकाश शाह जी, कई लोग नाम बदल बदल के रेगुलर हैं। तो कितना आएगा बच्चों, पीयूष जी शाम को रेगुलर आते हैं, सुबह में नहीं आते हैं। हर्षित कौशिक जी भी हैं लेकिन वो यहां नहीं आते, वो स्पेशल क्लासेस में आते हैं। आओ जी पल्लवी जी आप भी आओ जी, फायदा होगा आपको पढ़ने में। कल थेरी क्लासेस है सारी, सुबह इलेक्ट्रॉनिक्स, दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक, शाम को फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ, फ्लक्स। ठीक है जी कौशिक जी, यहां भी देखेंगे
कल यहाँ नहीं है पर अब परसों होगी यहाँ पर क्लासें, कल केवल स्पेशल क्लासेस हैं, उसमें से देखते हैं जी। पल्लवी जी एक क्वेश्चन तो हो गया बच्चों, ये अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन भी उड़ाते रहो और मेरा टाइमिंग याद रखो क्लासेस का। पढ़ते रहो बच्चों, इससे आपका क्या होगा, ये कोरोना टाइम पर जंग नहीं लगेगा। अगर प्रैक्टिस कम हो गई ना, स्पीड कम हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। चलिए बच्चों, यहां क्या होता है देखो, रोटेशनल डायनेमिक्स का सारा कहानी खत्म करें। टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है ये, लेकिन वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर होता है बच्चों, और एक्सेलरेशन भी लीनियर अल्फा क्रॉस आर होता है। बोलो ना बच्चों, हाँ जी, दो में आर पहले आता है ये, और दो में आर बाद में आता है बच्चों। तो हमको आर का और ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। वेलोसिटी ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला लगाना है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा पहले लिखेंगे, जे प्लस टू के, बोलो ना बच्चों, और आर थ्री आई प्लस फोर जे। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जे क्रॉस आई लिख दूं क्या, जे क्रॉस आई डायरेक्ट, ये आई जे के, तो जे क्रॉस आई माइनस के बच्चों, फिर J क्रॉस J जीरो बच्चों, फिर K क्रॉस I सिक्स, ये प्लस J आएगा, और K क्रॉस J एट माइनस I आएगा, तो फाइनल आंसर इज माइनस एट आई प्लस सिक्स जे माइनस थ्री के होगा। अब माइनस कॉमन ले रखा है बच्चों, तो माइनस बाहर लेते ही एट आई प्लस का, ये माइनस का, और ये वापस प्लस का, तो कौन सा आंसर है, पहला आंसर है बच्चों। यस, ज्यादातर बच्चों का पहला आंसर था बच्चों। हाँ जी, किसकी, आपकी, क्यों आकाश शाह जी, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन बच्चों, बोलिए बच्चों,
क्वेश्चन ऑफ द सेशन पहले आ चुका है बच्चों, 16 आई, 16 आई जिसका आंसर था गलत है जी, पीयूष जी का भी। गलत है, सबका गलत है, पीयूष जी का सही है, नहीं पिए सबका गलत है अभी तक, 2414 सब गलत हैं। नहीं नहीं सही है, सही है बच्चों, 2 वाला सही है, मेरे को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कांसीनाथ जी, 3 और 2 में से एक होगा, पहले चेक करना होगा यहां, ये देखो ऐसा नहीं है, 3 और 2 में से कौन सा है, रेशियो कैसे लेते हैं वो देखो, स्लाइस विदाउट रोटेटिंग, तो वो तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा रेशियो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा बच्चों, पक्का क्या, तो कितना आएगा हाफ एम वी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया बच्चों, और क्या होता है होलो सिलेंडर का 1 होता है बच्चों, यस 1 प्लस 1, सो आंसर इज सेकेंड बच्चों, सेकेंड एकदम। कहां गई थी, क्या करते रहते हो, मैं भी तो ये देखना चाहता हूं ना, ऐसा थोड़ी होता है कि सर सब आंसर मैं भी सोल्व करता हूं बच्चों, जब आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूं ना उधर उधर ही, यस कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। हाँ जी बच्चों, तो कल आप मुझे मिलेंगे कितने बजे, परमार जी एक बार टाइमिंग और लिख दो, 10:12 और 7 से 9 दो घंटे की क्लास, हाँ मन मन में कैलकुलेशन, इस बार में सोल्व करना, मैं आपसे बातें करने में भूल गया था, इसलिए तो मैंने कहा मुझे भी देखना पड़ेगा, 10 बजे 12 बजे दिन में और 7 से 9, वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरा रेफरल कोड बच्चों में फैला दीजिए। अब 10th का 12th का रिजल्ट आ गया है, इस बार ऑफलाइन क्लासेस नहीं खुलेगी, मैं कोटा से बोल रहा हूं, हाँ जी इस बार ऑनलाइन ही चलेगी, तो जो लेट हो रहे हैं उन्हें बोल दीजिए। हाँ जी बच्चों, रेफरल कोड को यूज कीजिए और मैं उनका मेंटर बन गया ना फिजिक्स में, ओके बाय, गुड नाइट कौशिक जी। हाँ जी बच्चों, किसके लिए गिल्टी फील कर रहे हो, नहीं जी अनअकैडमी का ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, नहीं खोल पाएंगे, कोई भी नहीं खोल पाएगा इस बार, स्कूल नहीं खुल रहे हैं बच्चे, आप अनअकैडमी पर रहिए और सारे टॉप टीचर यहां अवेलेबल हैं। हाँ जी एग्जाम होगा जल्दी ही, हाँ अचीवर कैरियर अभी अनअकैडमी हो गया है, सारे टीचर्स इधर अवेलेबल हैं। हाँ जी बच्चों, और इससे सस्ता कोई आपको मिलेगा ही नहीं, और इतनी अच्छी फैसिलिटी, जीएस सर से समझ नहीं आ रहा, किसी और टीचर से समझो,
तीसरे चौथे पांचवें 40-40 टीचर हैं एक एक सब्जेक्ट के, बोलो ना बच्चों, तो किसी से भी समझ सकते हो यहां टॉपिक। साथ में लाइव टेस्ट क्विजेस देने के अलग मजे हैं। क्या करूं, आप तो ज्वाइन करो। हाँ जी बच्चों, सारे टीचर इधर अवेलेबल हैं, सारे टॉप टीचर, कोटा के भी, इंडिया के भी, और बचे हुए हैं जो भी ज्वाइन कर लेंगे, इधर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहां पर टीचर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव होता है बच्चों। नहीं जी, इनका जो चैनल है ना, वहां पे भी लाइव क्लास होता है अनअकैडमी का। लर्नर ऐप, ये कल की क्लास 10 बजे वाली ऐप पर है, वो फ्री स्पेशल क्लास है। हाँ जी बच्चों, बच्चों कोरोना खतरनाक स्टेज की ओर बढ़ रहा है। चलिए बच्चों, ओके बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों। हाँ जी गोदारा जी की एडवाइस सुनो जी, दस वाली स्पेशल क्लास ऐप पर है, लर्निंग ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, और जीएस सर को ढूंढो और मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और मेरा रेफरल कोड याद रखो जी। चलिए बच्चों, 12 बजे वाली लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल पर है, वो यूट्यूब की क्लास है, और 7 बजे वाली फिर ऐप पर है, 10 और 7 बजे वाली ऐप पर स्पेशल क्लासेस हैं, और 12 बजे वाली यूट्यूब पर है जी। बारह बजे वाली यूट्यूब पर और 7 बजे वाली ऐप पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो गूगल के प्ले स्टोर से, नहीं किया है तो। चलिए बच्चों, ओके बाय, गुड नाइट बच्चों।